नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट करण आहूजा। दोस्तों, आज एक बार फिर एक नए किस्से के साथ आपके सामने हूं। दोस्तों, जिंदगी में आप क्या समझते हैं कि आपको क्या चीज सबसे ज्यादा देर तक याद रहती है? कोई सुंदर चेहरा या व्यवहार? चलिए एक छोटे से किस्से के साथ आपको यह चीज बताता हूं। दोस्तों, एक कॉलेज में एक सेमिनार चल रहा था। सेमिनार में एक प्रोफेसर साहब ने एक लड़के को पूछा खड़े करके कि भाई ये बताओ कि हमारे कॉलेज का सबसे सुंदर चेहरा कौन सा है। लड़के ने झट से एक लड़की का नाम दे दिया। अब उन्होंने बोला कि ये बताओ ये चेहरा तुम्हें कब तक याद रहेगा। बोला, कॉलेज छूटने के बाद जब तक कोई और सुंदर चेहरा ना नजर आ जाए। सभी हंस दिए। अब उन्होंने बोला कि मान लो तुम यहां से मुंबई जा रहे हो, मुंबई जाते हुए मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे एक दोस्त का पार्सल लेकर चले जाओ। तुम मेरे दोस्त का पार्सल लेकर चले जाते हो। वहां जब पहुंचे तो एक बहुत ही आलीशान बंगला है, बाहर 10 इंपोर्टेंट गाड़ियां खड़ी हैं, नौकर चाकर हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने तुमसे पूछा, हाँ भाई बताओ किससे मिला। तो तुमने बोला कि ये मेरे प्रोफेसर साहब ने अपने दोस्त के लिए एक पार्सल भेजा है। उन्होंने अंदर मालिक को बताया तो मालिक चोर पति है, वो खुद उठकर बाहर आए, पार्सल लिया और बहुत ही ज्यादा आग्रह करके तुम्हें अपने साथ अंदर ले गए, चाय नाश्ता करवाया, फिर तुमसे पूछा कि भाई कैसे आए हो। तो तुमने बताया कि लोकल ट्रेन पे। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि भाई भाई साहब को छोड़ के आओ जहां भी नहीं जाना है। अब वहां पे पहुंचे हो और उसके बाद तुम्हें फोन आता है उनका कि हाँ बेटा ठीक ठाक आप पहुंच गए। तो आप कहते जी पहुंच गया। अब ये बताओ कि ये भाई साहब आपको कब तक याद में रहेंगे। तो लड़के ने बोला था उम्र। हम में से बहुत सारे लोगों का यही जवाब। दोस्तों, एक कहानी के छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपका सुंदर चेहरा या आपका सुंदर व्यवहार, दोनों में से सुंदर व्यवहार याद रहेगा। जब भी किसी से मिलिए, दिल खोल के मिलिए, मुस्कुराहट के साथ मिलिए, ताकि वो आपको सारी जिंदगी याद रख सके। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि और ऐसे किस्से आपसे शेयर कर पाऊं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये सब अच्छा लग रहा है। तो आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ।